Dear students, welcome to Ray Academy classes and I am your teacher Mr. S.K. Ray. और हम लोग आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में अकाउंटिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है और ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस में किस किस चीज में हेल्प करता है. तो जस्ट स्टार्ट रीडिंग, आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स. एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग कलेक्ट फाइनेंशियल डाटा, रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफाइज एंड समराइजेस इट टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेटेड टू इट्स यूजर्स. तो इसके मतलब यही हुआ कि अकाउंटिंग ना फाइनेंशियल डाटा कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स फाइनेंशियल डाटा. One, to make records in the books of accounts, recording करते हैं, this is called collection, recording and classification. एक particular type का data को एक जगह पे classify करके रखता है and it is summarizes. Summarizes means इसका summary निकालता है. इतने सारे data इकट्ठे देख के आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको जो cream चाहिए उसके अंदर से वही निकालना है. तो जितने एक पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए उसी का समरी उसको मिलता है. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आता है उसको कम्युनिकेट करता है जिसको जो चाहिए. बैंक को अलग स्टेटमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को अलग स्टेटमेंट चाहिए, तो उनको अपने अपने स्टेटमेंट या कॉमन स्टेटमेंट जो दो चार ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए उनको देता है जो यूजर्स होते हैं. तो नेक्स्ट लाइन इज अकाउंटिंग begins with the identification of transactions of a financial nature. खाली financial transaction ही लिखते हैं. And ends with the preparation of a financial statements. तो financial statement क्या होता है? दो होता है. एक होता है income statement जो कि commonly हम बोलते हैं profit and loss account, और एक होता है balance sheet जिसको बोलते हैं position statement. सारे financial information collect करके profit and loss account और balance sheet बनता है. Each step in the process of accounting generates information. Accounts का हर step information ही generate करता है. And generation of information is not an end in itself. खाली information generate करके खत्म नहीं हो जाता. It is a way to facilitate the communication of information to users of accounting information. ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं उनको वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के बाद देता है. तो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज ए सर्विस एक्टिविटी. ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये सर्विस सेक्टर में होता है. अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी होता है, ये सेवा देता है. इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन. रद्दा मदा इन्फॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन. Primarily financial in nature, खाली financial information देता है और वो भी quality information. Financial in nature and about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. ये जो financial information आता है उससे budget बनाना, control activities करना, strict control करना, तो ये सब होता है और future decision में ये help करता है. तो दैट इज व्हाई अकाउंटिंग हेल्प्स इन द फाइनल गोल इन डिसीजन मेकिंग और बजटिंग प्रोसेस. इसका नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. हमने ये वाला पढ़ा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और आगे वाले जो पढ़ेंगे वो दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है आपके, ये कितने टाइप का होता है, तो दिस इज इसको इसके बारे में हम पढ़ते हैं. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जेनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ बुक कीपिंग. ये बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जेनरेट करता है. यूज ऑफ व्हिच एनेबल्स द यूजर्स टू अराइव एट करेक्ट डिसीजंस. तो जो इसको यूज करते हैं वो करेक्ट डिसीजन लेते हैं, यानी बजटिंग, कंट्रोल, ये सब उसी के अंदर होता है. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो जनरेटेड आर द इनकम स्टेटमेंट. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलता है
वो दो ही होता है, मैंने बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पोजिशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट। एंड द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाई दिस स्टेटमेंट कैन बी कैटेगराइज इन टू द फॉलोइंग, तीन कैटेगरी में हो सकता है जो इंफॉर्मेशन मिलता है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस यानी लॉस भी, अगर लॉस हुआ है लॉस भी मिलेगा। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजिशन यानी बैलेंस शीट या पोजिशन स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, पैसा कहाँ से आया किधर गया, बिजनेस के अंदर पैसे कहाँ पे हम चीजें खरीद रहे हैं, कहाँ पे मशीन खरीदा, कहाँ पे गाड़ियां खरीदा, कहाँ पे गुड्स खरीदा बेचने के लिए, कहाँ पे सैलरी पे किया, ये फ्लो हो गया कैश आउटफ्लो। इनफ्लो पैसे किधर किधर से आया, सेल से आया, इधर से आया, उधर से आया, तो ये सब डिटेल्स में पता चलता है। तो ये तीनों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, 1 2 3। तो नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट पेज फॉर डिस्कशन पर्पस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस। देखो द डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। तीनों ये वन होता है फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। द इनकम स्टेटमेंट इज फॉर एग्जाम्पल या दैट इज आई इज दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। प्रॉफिट को हम अर्न करते हैं और लॉस इनकर करते हैं, प्रॉफिट कमाया और लॉस गवाया एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस अदरवाइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। बिजनेस ऑपरेशन से भी होता है अदरवाइज, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज में बहुत कुछ होता है। जैसे किसी के दुकान में आग लग गया, किसी के फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, इट इज डैमेज, दैट इज अदरवाइज। बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिट लॉस होता है, अदरवाइज भी होता है, विंडफॉल गेन होता है, देयर आर मेनी थिंग्स। मैं आपको हर चीजें अकाउंट्स के ए टू जेड अच्छी तरह बताऊंगा, आई विल मेक योर बेस्ट स्ट्रांग, ये मेरा मोटिव है। तो ट्रेडिंग अकाउंट नेक्स्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट। ये नया आइटम आपको मिल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री के इनकम यानी सेल और स्टॉक क्रेडिट साइड में होता है, फैक्ट्री का सारे खर्चा, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, कस्टम्स ड्यूटी, सारे डेबिट साइड में होता है। अगर सेल ज्यादा है और खर्चा कम है रिलेटिंग टू फैक्ट्री तो वो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर खर्चा ज्यादा है तो देर इज ग्रॉस लॉस। ये इट इज ए पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, ये पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में सारे ऑफिस के इनकम्स एंड डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, आप तो डेबिट क्रेडिट अभी तक भी पता नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट में आपके सारे एक्सपेंडिचर आएगा। और ये जो डेबिट क्रेडिट और फॉर्मेट, ये सब आपको चैप्टर 5 से और बेसिकली चैप्टर 8 से सब पता चल जाएगा, व्हेन विल बी डूइंग जर्नल लेजर। तो ये नेट, ये नॉट फॉर प्रॉफिट, ये होता है नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो नेट लॉस होगा। ये नॉट फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाता नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ये होता क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट, दिस इज नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाता नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट होता है जैसे स्कूल हो गया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल हो गया, कोई भी जैसे गवर्नमेंट हो गया, ये उनका मोटिव नहीं होता है कि प्रॉफिट कमाना, इनका मोटिव होता है सर्विसेज देना। तो सर्विस देने के लिए कुछ थोड़ा बहुत, अगर 10 रुपए का सर्विस देते हैं तो आपसे 4 रुपए 6 रुपए आपसे कलेक्ट करते हैं, जिनको सर्विस देते हैं। तो उस केस में अगर इन्होंने कुछ ज्यादा खर्च कर दी तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, अगर इन्होंने ज्यादा फीस चार्ज कर लिया तो प्रॉफिट हो जाता है, उसको प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट कैरीज ऑन वेलफेयर और चैरिटेबल एक्टिविटीज।
एंड नॉट बिजनेस, ये बिजनेस नहीं करता, ये चैरिटेबल या वेलफेयर एक्टिविटीज करता है, और ये भी कई कबार करोड़ों या हजार करोड़ों में भी होता है, कई कबार कम लेवल पे होता है, कई कबार ज्यादा लेवल पे होता है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें करोड़ों का हिसाब किताब होता है, तो उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। द एक्सेस ऑफ इनकम, अगर इनकम इस ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा होता है, ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चे से अगर इनकम ज्यादा हो गया, इट इज टर्म्ड एज नॉट प्रॉफिट बट सरप्लस। व्हाइल एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर खर्चा ज्यादा होता है, ओवर इनकम इज टर्म्ड एज डेफिसिट। ये प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, ये सरप्लस एंड डेफिसिट होता है फॉर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट या एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट कमाते नहीं, बट इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। तो इनका जो अगर सरप्लस इनकम ज्यादा होता है तो सरप्लस बोलते हैं, अगर अगर खर्चा ज्यादा होता है तो उसको ये बोलते हैं, इट इज टर्म्ड एज डेफिसिट। नाउ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पॉइंट, दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजिशन, दिस इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पॉइंट। तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजिशन यानी बैलेंस शीट से पता चलता है, तो मेरे साथ साथ पढ़ो। द पोजिशन स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं पोजिशन स्टेटमेंट, इज फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट मेक्स अवेलेबल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटिटी। एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी ए पार्टनरशिप फर्म, इट मे बी ए कंपनी, इट मे बी ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी ए दुकान छोटा मोटा, इट मे बी ए बिग ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक अमेजन फ्लिपकार्ट, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के होता है, उसमें एंटिटी होता है, उसका पोजिशन स्टेटमेंट होता है। द पोजिशन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट ओन्ड बाय द एंटिटी, एसेट्स ओन्ड बाय एंटिटी, जो जो एसेट ओन करता है अपना खरीदा हुआ, तो वो सारे एसेट साइड को राइट हैंड साइड में एसेट्स होता है, बीच में इसको डिवाइड करके राइट हैंड साइड में एसेट साइड होता है और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी और कैपिटल, एसेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी। और आप तो बिगनर हो, आपको बैलेंस शीट के बारे में पता नहीं, बट एसेट पता है, जैसे आपके घर में आपके फ्रिज है, टीवी है, आपके एक मोटरसाइकिल है, एक स्कूटी है, दो गाड़ियां है, तो आपके बिल्डिंग है, आपके फार्म है, वो सारे आपके एसेट है। तो एंटिटी, एसेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी, अमाउंट्स रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंसेस हेल्ड बाय इट, जो आपके कैश, घर का कैश बैलेंस है। घर और बिजनेस एक ही टाइप का आप सोच सकते हो, फिलहाल इन द बिगिनिंग स्टेज, यू आर इन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर कैश और बैंक बैलेंस जो होता है आपके, और रिसीवेबल जो लोगों से पैसे लेना होता है, वो दो होते हैं, एक तो डेटर जो आपको पैसे देता है, और बिल्स रिसीवेबल जिससे आपको पैसे मिलता है। दीज आर प्रेजेंटेड इन द लायबिलिटीज बाय द अमाउंट ओन्ड बाय द एंटिटी टुवर्ड्स लोन्स, क्रेडिटर्स एंड अमाउंट्स पेबल। और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है बैलेंस शीट का, उसको बोलते हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड। उसके अंदर हमने जो लोन लिया हुआ है, जिनको बाहर लोगों को देना है, और क्रेडिटर जिन्होंने शॉर्ट टर्म में हमें गुड्स उधार दिया है बेचने के लिए, अमाउंट्स पेएबल जैसे आपके बिल्स पेएबल हो गया, जैसे बिल्स पेएबल हो गया और एक्सपेंसेस पेएबल हो गया, तो दीज आर देयर, इसको हम पे करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, ये जो दोनों का एसेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होता है, दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल। इज फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ड्यू टू ओनर्स, मालिक को जो पैसे देना होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। एंड इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ये एनपीओ जो अभी अभी डिस्कस किया था, द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज टर्म्ड एज जनरल फंड, इसका और एक नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फंड, जनरल फंड या कैपिटल फंड, वो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड होता है। एंड देन और लास्ट, ये लास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, जो लास्ट पॉइंट होता है, दिस इज अबाउट कैश फ्लो, पैसा कहाँ से आया, किधर गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को छोड़कर ये थर्ड स्टेटमेंट भी आप बना सकते हो एज ए इंफॉर्मेशन जनरेटिंग प्रोसेस। तो ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके स्टैंडर्ड 12 का
द लास्ट चैप्टर माना जाता है, और जिसे CA, MBA और BCom और BCom ऑनर्स या प्रोग्राम करोगे, MCom करोगे, उसमें इसका बहुत महत्व होता है, कैश फ्लो, फंड्स फ्लो। तो इट इज ए स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो, बोथ इन फ्लो, अंदर आया बिजनेस के, एंड आउटफ्लो, बाहर गया, ऑफ कैश ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, से एक साल के अंदर, या ये यूजुअली एक फाइनेंशियल ईयर या एक अकाउंटिंग ईयर के लिए बनता है, बिजनेस ईयर। तो उसके अंदर पैसे कैसे आया, कहां से आया और कहां गया, वो बताता है। इट इज अ इमेंस यूज एज मेनी डिसीजन सच एज पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, उधार पे करने के लिए कैश आपके पास होना चाहिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है ओनर को जो देते हैं, जो ओनर लिमिटेड कंपनीज वगैरह में पैसे इन्वेस्ट करता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप उसमें अगर पैसे लगाओगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, तो उसको पेमेंट करने के लिए आपके पास कैश बैलेंस होना चाहिए। एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, एक यूनिट चल रहा है, दूसरे में आप इन्वेस्ट करोगे, तो जैसे सपोज आप एक गाड़ी बनाते हो, जैसे टाटा इज मेकिंग टाटा कार्स, और इन्होंने इन्वेस्ट करा, एक्सपांशन कर दिया, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग लैंड रोवर, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसे चाहिए वो लोग कहां से लाएंगे, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का कुछ सरप्लस कैश हो तो उसमें लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कुछ नया यूनिट खोलना, और बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, पैसे अवेलेबल होगा तब ये कैश फ्लो से पता चलेगा, तो ये एक्सपेंशन करने के लिए, उधारी पे करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए ये जरूरत होता है। और ध्यान से पढ़ो एंड अकाउंट्स को इंटरेस्टिंग बना लो, you are in the first chapter of your life into the accounts, the world of accounts, जहाँ पे आपने enter किया है, इसके आगे आपको इसी line में देखना है, ये life का एक part बन गया, the world of accounts, जिसके अंदर आप आगे cash flow, funds flow, balance sheet, NPO, ऐसे सारे इसके बारे में पढ़ते रहोगे। तो अगर आपको पढ़ाई के लिए और accounts के लिए प्यार आएगा तब आप कर सकते हो, इफ लव अकाउंट्स देन यू कैन स्टडी, और थ्योरी बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और उसमें अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो मेरे वीडियोज को प्लीज लाइक कीजिए, और डेफिनेटली लाइक अगर कर भी नहीं रहे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें दूसरे बच्चों को भी हेल्प होगा, वो भी पढ़ सकते हैं, खाली बच्चे नहीं, कोई भी, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड टू लर्न एट एनी स्टेज एट एनी एज कैन लर्न। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टडिंग फ्रॉम माई वीडियोज़।